हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दिन से आप कह रहे हो कि सर एक सेल्फ इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही दमदार, आपके लिए सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं आया हूँ कि आप अपना परिचय कैसे दें, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो आप चाहे कोई भी हो, आप चाहो तो स्टूडेंट्स हो, सपोज यू आर ए स्टूडेंट, आप कोई जॉब सीकर हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। तो आप मान लो न्यू कमर हो, आपको क्लास में देना इंट्रोडक्शन, आपको किसी बैच में देना इंट्रोडक्शन, आप हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में गए हो वहां देना हो इंट्रोडक्शन, या हो सकता है कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो और वहां पे आपको देना इंट्रोडक्शन। तो आप अपना परिचय सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे दें वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, बशर्ते कि सबसे पहला काम आप अपना परिचय खुद लिखें, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद लिखें। मैं आपको आज हेल्प कर रहा हूं, आपकी मदद कर रहा हूं आपके अपने इंट्रोडक्शन लिखने में। तो चलिए देखते हैं यहां पे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। तो पहला पॉइंट्स पे ध्यान देना कि सबसे पहले हम लोग एंटर करते हैं, फिर ग्रीटिंग्स करते हैं, फिर अपना नाम बताते हैं, फिर प्लेस, फिर क्वालिफिकेशन, फिर फैमिली के बारे में, फिर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में, फिर आपका कोई स्ट्रेंथ होगा, फिर लाइफ एम होगा, हॉबी होगा, और फिर लास्ट में हम लोग एंड करेंगे। एक एक पॉइंट पे आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको क्या करना है। ये सारे पॉइंट्स पे एक सामने लेना है मिरर, और मिरर के सामने आपको सारे पॉइंट्स पे बोलने हैं और देखना है कि उस समय आप अपना इंटरव्यू कैसे खुद से लेते हो और कैसे काम करते हो, तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस औरों के सामने बेहतर होगा। सबसे पहले आपको खुद से अपने आप का परिचय लेना है कि आप बेहतर कर पाते हो कि नहीं। तो एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एंटर। एंटर को लेते हैं और देखते हैं करके कि भाई एंटर क्लास में प्रवेश कैसे करना है। तो एंटर की बात हमने करा, तो सबसे पहले गेट पे आपको जाने से पहले बोलना है मे आई कम इन सर। अगर आपके साथ वहां पे सीनियर लोग हैं तो आपको बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी एंटर का मतलब हो गया कि आप परमिशन ले रहे हैं, राइट। तो बिना परमिशन के आपको अंदर नहीं जाना है। तो आप परमिशन लेंगे मे आई कम इन सर, ये बातें होती है थोड़ी सी फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब कि अपने से बड़े के साथ कभी भी कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको बोलना है मे आई कम इन सर, राइट। क्या बोलना है, मे आई कम इन सर। आप चाहो तो अगर इनफॉर्मल हो, मान लो ग्रुप में हो, किसी कहीं भी जगह हो, तो यहां पे कैन आई कम इन का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन। ध्यान रहे कभी भी आप कैन आई कम इन सर का प्रयोग नहीं करना, एक प्रयोग करना गलत माना जाएगा, क्योंकि सर का प्रयोग हमेशा मे के साथ ही होता है, कैन का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये पहला पॉइंट होगा, हमने इंटर कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, ग्रीटिंग्स करना है। तो चलिए देखते हैं ग्रीटिंग्स में, अब हम लोग ग्रीटिंग्स कैसे करेंगे। तो ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि आप टाइम के अनुसार अपने को, जैसे आप जाते हो कहीं भी, तो ग्रुप में जा रहे हो, तो कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ग्रीटिंग्स करना चाहिए, यानी कि आप उजाते के साथ आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार आप उसको ग्रीट करिए। जैसे आप जा रहे हो मॉर्निंग में तो आपको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग के साथ अगर आप सर जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। तो ये सारे तरीके कैसे हैं, फॉर्मल हैं, यानी आप बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। तो जो टाइम हो रहा हो, जैसे आप सुबह के टाइम में जाएंगे तो दिन के 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग सर बोलना चाहिए, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर। फिर अगर आप 12 बजे के बाद जा रहे हैं शाम के 4 बजे तक, तो आपको बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून सर। तो गुड आफ्टरनून दोपहर के समय को बोलना है। ध्यान रहे गुड नून का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि गुड नून गलत होता है स्पीकिंग में। तो क्या बोलना है, गुड आफ्टरनून सर, उसके बाद बोलना है गुड इवनिंग सर। तो शाम के समय मान लो आपका इंटरव्यू या कहीं भी सभा में आप बोल रहे हो, तो शाम के 4 बजे के बाद हो गया, रात के 9 बजे दे रहे हो, शाम के 7 बजे दे रहे हो, रात के 10 बजे, तो कभी भी, यानी कि आप कभी भी कहीं भी एड्रेस कर सकते हो। मान लो एड्रेस करने का समय मिला शाम के 8 बजे, शाम के 10 बजे, कभी भी कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपको बोलना है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, राइट। कभी भी आप, ये सारे फॉर्मल हो गए, यानी ये सब शिष्टाचार निभाने के हैं, लेकिन कभी भी आप हे, व्हाट्सअप, हाय, हेलो, इन शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब इनफॉर्मल हैं। ये सब का प्रयोग आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कहां, दोस्तों के बीच में।
जहाँ पे आपका आपसे छोटे मित्र रह रहे हैं, जहाँ पे कलीग्स रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप हे व्हाट्सअप हाय हेलो का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इंट्रोडक्शन में इन सब के प्रयोग से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। इनका प्रयोग ना करें वही ज़्यादा अच्छा है, इन सब का ही प्रयोग करें, चूँकि आप एक अपना एड्रेस कर रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेते हैं फटाफट, नेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा हमने, नेम। जब भी आप अपना नाम बताएं तो नाम बताने के तरीके क्या है, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंटर कर लिया, ग्रीटिंग कर लिया, अभी दो काम हो गए। अब हम लोगों ने नाम का देखा कि भाई नाम कैसे बताना है, कैसे जब आप कभी इंटरव्यू दे रहे हो या आप अपने आप को परिचय दे रहे हो तो उस केस में नाम कैसे बताना है, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो हमने कहा माई नेम इज, अब माई नेम इज बताना अच्छी बात है। तो माई नेम इज, जैसे आपका नाम मान लो जैकी है, तो आपने कहा माई नेम इज जैकी, माई नेम इज, अगर आप फीमेल है तो माई नेम इज सोफिया, माई नेम इज जॉली, माई नेम इज प्रिया, माई नेम इज सुप्रिया, माई नेम इज सुधीर, जो बोलना हो, आई एम सुधीर, आपका जो नाम है, आई एम सुधीर, आई एम जैकी, दिस इज जैकी, जो नाम बताना हो, है ना, माई सेल्फ, अब लिया माई सेल्फ जैकी, तो माई सेल्फ का प्रयोग करना आपके इंग्लिश में गलत होगा। आप उसे इनफॉर्मल में, तो इनफॉर्मल नहीं बोलना है, कहीं भी आप बोलो, आप दोस्तों के बीच भी माई सेल्फ का प्रयोग मत करना। सबसे बेहतर तरीका है कि आप ए और ए का प्रयोग करो, दिस इज चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा यही रहेगा, ये भी चलेगा। बट मान लो बोला आपने यू कैन कॉल मी अजय, यू कैन कॉल मी जैकी, यू कैन कॉल मी सोफिया, यू कैन कॉल मी प्रिया, यू कैन कॉल मी राधिका, तो यह भी प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता है। हम आपसे कहेंगे कि ज्यादा अच्छा जो आपके लिए होगा वो आप इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा, इन ये दोनों जो है ये थोड़ा फॉर्मल है और यह भी फॉर्मल में ही आता है, बट यह सब गलत माना जाता है, यह ना तो फॉर्मल है ना इनफॉर्मल है। कभी भी कभी दोस्तों के बीच में यू कैन कॉल मी अजय कह सकते हैं, दोस्तों के बीच में, मान लो आपके दोस्त हैं, दो चार मित्र हैं, तो आप आपस में अपना परिचय देने के लिए वहां पे यू कैन कॉल मी अजय, यू कैन कॉल मी राधिका, यू कैन कॉल मी प्रिया, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा पर्सनली कि आप इन्हीं में से तीन का कोई एक प्रयोग करें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और इस तरह से आप अपना परिचय दे सकते हैं, नाम बता सकते हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जो आपका प्लेस कहता है। अब हमने क्या करा, चौथा पॉइंट लिया प्लेस। अब हम प्लेस की बात करें, आराम से आप एक एक पॉइंट को देखो, और आप कोई भी हो, आपका परिचय सबसे बेहतरीन होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन सबसे स्मार्ट तरीके से होना चाहिए और आप अपने आप में स्मार्ट बन जाएंगे। तो हमने कहा प्लेस का परिचय देना है, तो प्लेस की बात करें, आप बोल सकते हो आई लिव एट मुखर्जी नगर, आप प्रयोग कर सकते हो आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आप जहां भी रहते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि आई बिलोंग टू, आप जहां से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बिहार से आया है तो बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी, या बोलते आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, तो जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां से आप बोल सकते हैं। कभी भी आप छोटे प्लेस का नाम नहीं लेंगे, जैसे मान लो कोई लगा बोल दिया आई लिव एट जक्कनपुर, आई लिव इन जक्कनपुर, आई लिव इन सालिमपुर, अब कोई लड़का जानता ही नहीं भाई सालिमपुर कहाँ है, किसी को पता ही नहीं सलीमपुर कहाँ है, तो जब नहीं पता है तो आप ऐसे प्लेस का नाम लें जो एरिया थोड़ा सा बिग हो, जो है थोड़ा सा बड़ा हो, ऐसे प्लेस का ही नाम लेना चाहिए। जैसे हमने कहा आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू पटना बोल सकते हैं, है ना, मैं पटना से हूं, आई एम फ्रॉम पटना बोल सकते हैं, यानी जहां से आप हो वहां से आप बोल सकते हो, या आई लिव इन पटना बोल सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटे प्लेस का नाम लें, आप बड़े प्लेस का भी नाम ले सकते हैं। हमने कहा आई बिलोंग टू बिहार, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम मुखर्जी नगर, तो आप जहां से हो, जहां का एरिया थोड़ा सा बड़ा हो, वो ऐसे प्लेस का नाम लेना चाहिए, और सारे प्लेस आप लिख लें, और इस तरह से जो भी आप जहां रहते हो इस तरह से प्लेस आपको बोलना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग अगले प्लेस कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहां पे हमने बात करा क्वालिफिकेशन की, अब देखते हैं कि भाई आप कितने क्वालिफाइड हो, बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप परिचय दे रहे हो तो आप बताओगे ना कि आप कितने क्वालिफाइड हो। तो यहां हमने कहा क्वालिफिकेशन बात करा, तो क्वालिफिकेशन में जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, अपना परिचय दे रहे हो, तो वहां पे करंट एजुकेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि अभी करंट में क्या कर रहे हो आप, आपने पीछे मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, ठीक है, अभी करंट में क्या है, तो मान लो आप करंट में कहा तो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, अब बहुत सारे लोग 99% लोग बोलते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, परसुइंग नहीं प्रयोग करना, परसुइंग प्रयोग करना गलत माना जाता है, हम लोग कर देते हैं प्रयोग, बोल देते हैं बहुत सारे लोग, तो परसुइंग ने बोलना क्या बोलना,
now I am doing, जो करंट में आप कर रहे हो, तो I am doing graduation from University of Delhi, University of Patna, University of Allahabad, तो जहां से आप कर रहे हो, तो I am doing graduation from University of Delhi, Patna, जहां से आप कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो I did, चूंकि कर चुके आप, अभी नहीं कर रहे हो, I did BTEC, हमने BTEC किया है in computer science from Delhi, from Patna, from जहां से किया आपने, dot 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 dot, जहां से मर्जी वहां से लिख दो, आप तैयार करो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, आप खुद से लिखो और मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपना परिचय खुद दो, इससे होगा क्या कि आपका इंट्रोडक्शन खुद का तैयार होगा और सबसे बेहतरीन तैयार होगा। हमने कहा आई कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम एक्स वाई जेड बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड का नाम है, आई कंप्लीटेड माय 12th है ना फ्रॉम एक्स वाई जेड बोर्ड, जो बोर्ड का नाम हो, या फिर अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हो तो बोलोगे आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर, फिर डॉट 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 कर दिया। मान लो किसी भी चीज में, इसमें कोई भी पॉइंट बोलने का मन करे आप एक पॉइंट कर लो, आप हो सकता है आईएससी में हो, आप हो सकता है आईए में हो, बीए में हो, जो भी आपका है, इस तरह से आपको मैं हेल्प कर रहा हूं, आपको स्मार्ट बना रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं और मुझे भरोसा आप कर लोगे। और इस तरह से हमने क्या किया, क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं अगला पॉइंट कि आखिर फैमिली के बारे में कितना बोलना चाहिए। अब हमने क्या करा, छठे पॉइंट को लिया फैमिली। अब यहां फैमिली के बारे में बातचीत करना है कि भाई फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड। आप चाहो तो फैमिली को, आप जॉब इंटरव्यू, मान लो आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो तो फैमिली को स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि फैमिली के बारे में बताया ही जाए, क्योंकि आपका इंटरव्यू है, आपके फैमिली का नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में बोल रहे हो, दोस्तों के बीच में बोल रहे हो, तो फैमिली बताना चाहते हो कि जिससे आपका इंप्रेशन पड़े, तो बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फैमिली के बारे में उतना ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्नड, कुछ पॉइंट को याद कर जाओ, है ना। तो इस पॉइंट को अभी दिमाग में फिट कर लो कि एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्नड, जहां तक मेरे फैमिली का सवाल है, तो आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। कोई जरूरत हो कि 5 मेंबर्स होगा, 4 मेंबर्स हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो आई हैव 5 मेंबर्स इन फैमिली, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, है ना। आई एम द एल्डेस्ट वन, आई एम द ओल्डेस्ट वन, अब यहां एल्डेस्ट की जगह तुम ओल्डेस्ट कह सकते हो, आई एम द एल्डर, तो जो भी आपका उम्र है, आप कोई भी हो, बड़े हो, छोटे हो, कहां का हो, मिडिल हो, कहां भी हो, आप कह सकते हो आई एम द ओल्डेस्ट वन, आई एम द एल्डेस्ट वन, है ना। तो हमने कहा आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो आपके घर में जितने परिवार हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, जितने मेंबर्स हैं आप वहां प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने कहा आई एम द एल्डेस्ट वन, हम उसमें सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, जैसे भी हैं, आप अपना प्रयोग कर दिया। फिर हमने कहा कि आपके पिताजी क्या करते हैं भाई, तो हमने कह दिया माय फादर इज अ, अब आपके पिताजी मान लो फार्मर हैं, तो हमने माय फादर इज अ फार्मर। हमने कहा माय फादर इज अ डॉक्टर, तो आपके पिताजी जो भी हैं आप यहां पे ऐड कर लो कि माय फादर इज अ डॉक्टर, है ना, माय फादर इज एन इंजीनियर, तो जो आपके पिताजी हैं वहां पे लिख दिया हमने, राइट। फिर कहा माय मदर इज अ, अब आपकी माता क्या है भाई, तो आप माय मदर इज अ होममेकर, होममेकर। हमने यहां पे कहा माय मदर इज अ हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ का प्रयोग आज प्रचलित में नहीं है, इसलिए हाउस वाइफ का प्रयोग करना एडवांस नहीं माना जाता, इसलिए हाउस वाइफ को काट ही देना ज्यादा अच्छा रहेगा, आप होममेकर का ही प्रयोग करना ज्यादा बढ़िया होगा। मान लो आपकी माता घर नहीं संभालती, टीचर है, तो आप लिख दिया माय मदर इज अ टीचर। बस मेरे बच्चे, तो हमने कहा कि माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ होममेकर, माय मदर इज अ टीचर, तो जो भी हैं आप अपना पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हैं अपने फैमिली के बारे में बता करके, कोई नेसेसरी नहीं है, आप इसका प्रयोग करना चाहो तो करो, पर्सनालिटी बढ़िया होगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो आप बच सकते हो, जैसी मर्जी आपकी आप प्रयोग कर सकते हो। हमने सारे पॉइंट्स दिए हैं, एक एक पॉइंट्स पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, आप फ्रेज तैयार कर लें बढ़िया से लिख करके, एक पोर्शन को तैयार कर ले ताकि आपका इंट्रोडक्शन सबसे अलग और सबसे बेहतरीन तैयार हो। अब देखते हैं अगले पॉइंट पे, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, हम इसकी बात करेंगे। अब देखते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यानी आपके अंदर कोई स्किल होगा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो क्या
क्या करेगा, आपके स्किल की जांच करेगा। तो आप अपने स्किल्स बताएं कि भाई आप उसके कंपनी के लिए कैसे सुटेबल हैं, आप जिस चीज के लिए हैं, मान लो ग्रुप में है तो अपना स्किल बताएं, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। तो आप अपने स्किल और एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो हमने कहा आई एम फ्रेशर, मान लो कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप ईमानदार हैं, झूठ बोलने से अच्छा है कि आप ईमानदार रहें, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फ्रेशर, भाई हम अभी कुछ नहीं किए फ्रेशर हैं अभी, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। दूसरा मान लो कहा कि मान लो कहीं पे दो तीन साल काम किया है, तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद सिप्ला कंपनी। अब कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, सिप्ला कंपनी, डीएसएल कंपनी, तो जो भी है, आप डीएसएल में काम करते हैं तो डीएसएल के नाम से सकते हैं, कोई भी कंपनी का नाम है तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद डीएसएल कंपनी, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आई एम क्वाइट गुड इन जावा कंप्यूटर डॉट 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 डॉट, आप जो भी जोड़ना चाहें, तो आई एम क्वाइट गुड इन जावा कंप्यूटर, ये आपका एक्सपीरियंस है कि भाई आप इतने साल से काम कर रहे हो। आई हैव डन 3 years डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा लिया है, आपका स्किल है, तो इस तरह से आप आई एम ए फ्रेशर, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद सिप्ला कंपनी, डीएसएल कंपनी, है ना, जो भी कंपनी का नाम आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस तरह से आई एम क्वाइट गुड इन जावा कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप है ना, आई हैव डन 3 years डिप्लोमा, इस तरह से आप अपना रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स ये आपके लाइफ के लिए जरूरी होता है और ये इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस चीज को आप बढ़िया से हाईलाइट करके लिख लेंगे जितना बेहतर हो सकता है। तो हमने कहा कि हमने काम इतने पे कर लिया, अब हमको स्ट्रेंथ दिखाना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप अंदर से कितने इंथ्यूस्टिक हो, आप अंदर से कितने जोश में हो, वो दिखाता है। चूंकि आप अपना इंट्रोडक्शन एक दमदार दीजिए, ऐसा दीजिए कि एक हाईली इंप्रेसिव इंप्रेसिव हो, आप जब किसी को अपना परिचय दें तो लगे कि कोई बंदा आज परिचय अपना दिया है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे स्ट्रेंथ है, तो आपने कहा आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी आप एक अच्छा कम्युनिकेटर हैं, तो आप अच्छा वक्ता हैं, अच्छा बोल सकते हैं। आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, हम मल्टीटास्कर हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, आप बोल सकते हो हार्ड वर्कर हैं, यानी आपके अंदर जो क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, आप बोल सकते हो भाई हम पॉजिटिव थिंकर हैं, हम अच्छा जितना भी विपत्ति आ जाए हम सोचते हैं पॉजिटिव। तो हमने कहा आई एम गुड कम्युनिकेटर, हम अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं। हमने कहा गोल ओरिएंटेड है, आई एम प्रॉब्लम सॉल्वर, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई एम पॉजिटिव थिंकर, हम पॉजिटिव सोचने वाले हैं, है ना, हार्ड वर्कर हैं। तो जो भी आप इसमें से हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रेंथ में, यानी कि स्ट्रेंथ आपकी जो है स्टेमिना को शो करता है कि आप किस समय क्या। हमेशा देखो, जब भी आप अपना परिचय दे रहे हो तो भाई अपनी तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जानता नहीं है, तो पहले अपनी तारीफ करेंगे तब ना वो मुझे लेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति इतना बोला है, इसलिए अपने मुंह मियां मिठू तो बनना पड़ेगा, अपनी तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कैसे सिलेक्ट करेगा वो। इसलिए अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए पहले अपना परिचय, और परिचय का मतलब होता है कि हम अपनी क्वालिटी को उसको बताएं, इसलिए यह आपकी क्वालिटी है और यह चीज आपको बतानी पड़ेगी, राइट। जो आप हैं वो बतानी पड़ेगी, आप इसमें से कौन एक हो सकते हैं, राइट। अब जो अगला पॉइंट होता है वो लाइफ्स एम होता है। अब लाइफ्स एम क्या है, यानी द एम ऑफ लाइफ। अब द एम ऑफ लाइफ की बात करें, आपकी गोल की बात करें, हालांकि इसे भी तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसे भी तुम चाहो तो हटा सकते हो, इसकी जरूरत खास नहीं है। लेकिन अगर आप दमदार बोलना चाहते हैं, कंपनी में इंटरव्यू मान लो 10 मिनट का चल रहा है, 15 मिनट का चल रहा है, तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि आप ग्रुप में 10 बच्चों के बीच में यानी सभाओं को संबोधित करना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी अपने सिचुएशन के आधार पर इसको तैयार कर लें। जैसे मान लो आप कंपनी में जा रहे हैं, तो आपने कहा माय गोल इज टू गेट इनटू अ रिप्यूटेड एंड हाईली एडमायर्ड कंपनी लाइक दिस, यानी जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी तारीफ हो गई, तो आप उसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो बोलोगे लाइक दिस, इसी कंपनी के जैसा मैं करना चाहता हूं। आपने कहा मान लो किसी ग्रुप में आप कर रहे हो, तो ग्रुप में आपने कहा, तो मान लो आई वांट टू बी, मान लो स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, 10 बच्चों के बीच में ग्रुप कर रहे हो, 100 बच्चों के बीच में बोल रहे हो, कॉलेज में बोल रहे हो, तो आपको बोलना है आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। तो जो भी आप बनना चाहते हो, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, है ना, तो आप जो भी बनना चाहते हो, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, तो जो भी आप बनना चाहते हो, द एम ऑफ माई लाइफ इज,
द एम ऑफ माई लाइफ इज अ सोशल वर्कर. मान लो आप सोशल वर्कर बनना चाहते हो, तो जो भी आप बनना चाहते हो वो डिपेंड करता है सिचुएशन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि आपका लाइफ का एम क्या है. हर व्यक्ति कुछ सोचता है, हर व्यक्ति कुछ चाहता है आगे बढ़ने के लिए, यानी उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है. हमने इसे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी सिचुएशन जैसा भी आपका हो उसके अकॉर्डिंगली आप बोलने का प्रयास करो, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा. हमने जो बताया ये कंपनी के लिए है, ये आपका पर्सनल है, ये आपका पर्सनल है कि आप जो बनना चाहते हैं अपने कॉलेज स्टूडेंट के साथ में जिसके बीच में बोल रहे हो आप बोल सकते हो. अब हम लोग हॉबीज पे बात करते हैं. तो हॉबीज तरह तरह के होते हैं, क्योंकि आपका हॉबी है, हॉबी से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का टेम्परामेंट कैसा है. क्योंकि जैसा आपका हॉबी होगा, यानी जिस चीज को आप पसंद करेंगे ज्यादा वैसा ही आप काम करेंगे ज्यादा. क्योंकि जो व्यक्ति का हॉबी होता है, और आजकल के एज में एक व्यक्ति का एक हॉबी नहीं होता, चार पांच हॉबीज हो जाते हैं. तो आपके जितने भी हॉबीज हैं वो आपका क्या है, पर्सनालिटी को ही इंप्रूव करता है. जैसे हमने कहा हॉबी की बात करें तो माय हॉबीज आर, हमने हॉबीज कर दिया तो आर लगा दिया, माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड अ बुक. यानी जो आपका हॉबीज हो गया, एक हॉबी है तो माय हॉबी इज कर देना, है ना. अगर यहां पर हॉबी करोगे तो इज लगा दिया, माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ए पे खत्म हो गया. लेकिन हमने कहा माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड अ बुक, किताब पढ़ना भी हॉबीज है और मेरा म्यूजिक सुनना भी म्यूजिक है, है ना. हमने कहा रीडिंग अ बुक इज माय हॉबी. अगर मान लो नहीं बोलना चाहते तो आपने कहा भाई सिंपल से बोल दिया रीडिंग अ बुक इज माय हॉबी, तो रीडिंग अ बुक इज माय हॉबी, यानी किताब पढ़ना क्या है, मेरा हॉबी है. या फिर आपने कहा मान लो रीडिंग पढ़ना चाहते, आपने कहा आई लव डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव वॉचिंग टीवी, आई लाइक वॉचिंग टीवी. तो लव या लाइक से भी आप अपना हॉबीज बता सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा. यानी आप अपने हॉबी को जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकते हैं. एक एक पॉइंट को आप देखो, बड़े आराम से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके दोबारा लिख लो और तैयार कर लो बढ़िया इंट्रोडक्शन. और अंत में क्या कर दिया आपने, एंड कर दिया. यानी आपको कंक्लूड करना नहीं भूलना है, यानी जब तक अंत नहीं करेंगे तो काम कैसे लेगा. इसलिए सारे पॉइंट्स बोल करके आप उसको एंडिंग पॉइंट दीजिए. जैसे आपने एंड किया, अंत किया कि दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू. तो थैंक यू कह दिया तो वो समझ गया कि भाई इंटरव्यू समाप्त हो गया, भाई बोलना समाप्त हो गया. तो हमने कहा दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या दैट्स ऑल थैंक यू. तो दैट्स ऑल थैंक यू, या दैट्स ऑल अबाउट मी, That's all about myself. Thank you. इस तरह से आप अपना परिचय दे सकते हैं. अब इसके बाद आपका इंटरव्यू समाप्त होता है और आप वहां पे लास्ट में थैंक यू करने के बाद जैसे पूरा परिचय दे दिया, लेकिन अगर कोई इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रह जाता है तो आपको जवाब देना पड़ सकता है. या आपका परिचय समाप्त हुआ लेकिन वो आपसे कुछ और भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और आप जैसे मान लो किसी भी आप ऑडिटोरियम में हैं तो आप अपना परिचय दे करके 100 लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा पॉइंट आपको चुनना है कि कौन सा पॉइंट बोलना है कौन सा पॉइंट नहीं बोलना है. आपका इंटरव्यू 2 मिनट का मौजूद है. किसने कहा कि अपने बारे में 2 मिनट बोलो, तो आप इसमें कौन कौन सा पॉइंट बोलेंगे, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपका टास्क है. आप इसको देखो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कहां तक सपोर्ट किया, कितना हेल्प किया, हमने आपके लिए मेहनत किया पूरी तरह से. आप कोई भी हो, आप अपना तैयार कर लें और आप देखें कि आप 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में, कितने मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं और वो तैयार कर मुझे बताएं. और आप अपना परिचय कितना बढ़िया दे रहे हो आप कमेंट करके मुझे बताओ, और फिर मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लाता हूं बनाने के लिए, और फिर आपको मैं देता हूं एक से एक वीडियो. फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.